दर्शकों नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। कच्छ में घुसे पाकिस्तानी कमांडो गुजरात में कर सकते हैं आतंकी हमला। नौसेना को इनपुट मिला है कि पाकिस्तानी कमांडो अब समुद्र के जरिए आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसे लेकर नौसेना ने एक अलर्ट जारी किया है और तटरक्षक बलों को सतर्क रहने को कहा गया है। इस खुफिया इनपुट के बाद गुजरात के कांडला बंदरगाह पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिट इंडिया लॉन्च कर पीएम मोदी बोले, बॉडी फिट है तो माइंड हिट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खेल दिवस के अवसर पर दिल्ली में फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फिटनेस मूवमेंट भले ही सरकार ने शुरू किया है, लेकिन देश की जनता ही इसे कैबिनेट को आगे बढ़ाएगी। दिल्ली सरकार का आदेश, 8 दिनों में खाली करनी होगी शराब की खुली बोतल। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने एक अनूठा आदेश जारी किया है। बार में शराब परोसने को लेकर समय सीमा तय की है। अब लाइसेंसी बार में खुली बोतल शराब को 3 से 8 दिनों के अंदर बेचना होगा। समय सीमा खत्म होने के 7 दिन के भीतर स्टॉक को नष्ट करना होगा। इस आदेश पर 31 अगस्त से अमल शुरू हो जाएगा। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान से पूछा, कश्मीर तुम्हारा हिस्सा कब था, रोते क्यों हो? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पर बात करने का उसके पास कोई अधिकार नहीं है। रक्षा मंत्री ने पूछा कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा कब था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वजूद का भारत सम्मान करता है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।